ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक आयोजित है। आज सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर कल चर्चा होगी। इसके पहले विपक्ष के सदस्यों ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। वहीं भोजपुर के ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में राजद एवं भाकपा कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न स्थलों पर अपनी जुलूस निकाला, साथ में बस स्टैंड के निकट NH30 को आंशिक रूप से जाम भी किया। ट्रेड यूनियन के हड़ताल को महागठबंधन ने समर्थन दिया। भाकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसान विरोधी है। श्रम नीति में परिवर्तन की गई है, जिसकी विरोध ट्रेड यूनियन ने किया है। इसकी मांगों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने, महिला पुरुष मजदूरों को न्यूनतम वेतनमान देने, नई शिक्षा नीति को वापस लेने, किसान विरोधी बिल को वापस लेने समेत कई मांग शामिल है। हड़ताल का असर भोजपुर में खासा देखने को मिल रहा है। इन तमाम वाक्य पर किसानों से धान की खरीद करनी होगी, किसानों को 3000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देना होगा। वापस लो, 4 श्रम कोड कानून वापस लो। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन नहीं चलेगा। मानदेय नहीं चलेगा। अस्थायी और सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था करना होगा। राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय हड़ताल है। आज पूरे देश भर के लगभग 500 किसान संगठनों के द्वारा जो देश के मोदी की सरकार कृषि कानून लाई है, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो 4 कोर्ट लाया गया है, निश्चित तौर पर यह किसान विरोधी मजदूर विरोधी कानून है। अभी आप देख रहे हैं कि मोदी की सरकार मजदूरों के लिए जो हमारा न्यूनतम काम करने का 8 घंटे का अधिकार था, यह मोदी की सरकार मजदूरों के अधिकार को कटौती करते हुए 12 घंटे काम करने का अधिकार दिया है। निश्चित तौर पर यह मजदूर विरोधी है। अभी आप देख रहे हैं कि मोदी की सरकार में लगातार श्रम की छटनी हो रही है, लगातार गरीबों की तलाट बढ़ रही है, बेरोजगारी की छटनी हो रही है। इन तमाम सवालों को लेकर के जो कृषि कानून है, उस कृषि कानून को अविलंब वापस लेने के सवाल पर और साथ ही साथ जो 4 करोड़ मजदूर विरोधी है उसको वापस लेने के मांग को लेकर के आज पूरे देश भर के किसान मजदूर छात्र युवा संगठनों के द्वारा यह आज राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। अगर सरकार मोदी की सरकार अगर इन तमाम काले कानूनों को अगर वापस नहीं लेती है तो आगे आने वाले दिनों में इस देश के भीतर में किसान मजदूरों का छात्र युवाओं का आंदोलन का अंबार खड़ा होगा और आगे हम इस सवाल पर लड़ेंगे। मजदूर हड़ताल है और इस हड़ताल के समर्थन में धरने तले हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बेतहाशा बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, 4 श्रम कोड कानूनों के को वापस लेने की मांग को लेकर के कार्य दिवस जो 12 घंटे का निर्देश दिया गया है उसको वापस लेने की मांग को लेकर के और साथ ही साथ देश की संपदा बेचने की नरेंद्र मोदी सरकार की काली नीति और काले कृषि कानून के खिलाफ आज देश भर के मजदूर और किसान सड़कों पर उतर करके नरेंद्र मोदी सरकार की नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज मजदूर स्ट्राइक चल रहा है।